सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम है मोहित रूबल। प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच तुहाडा अज स्वागत है। गल करिए देश विच करोना दी, तां लगातार कहर जारी है। लगातार हर दिन दे विच 95,000 तों वध जिहड़े केस ने उह सामने आ रहे ने। पंजाब दी गल करिए तां कल बीते दिन 2,500 दे जिहड़े केस ने नवे उह सामने आए ने। सो इस मुद्दे बारे अज असीं गल करांगे आम आदमी पार्टी दे लीडर डॉक्टर संजीव शर्मा जी दे नाल। सर, स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच। थैंक यू सारे व्यूअर्स दा भी जी। सर, सब तो पहला तो सवाल यही पूछते हैं कि पंजाब विच जिहड़े केस हर दिन वधदे जा रहे ने, उहदा कारण की है? देखो जी, जिदा जिदा टाइम पास हो रहा, जिदा जिदा रफली 3 to 4 months हो गया कोविड स्टार्ट होया नूं जी, हरेक स्टेट की जिहड़ी टैसटिंग कपैसिटी आ वो वधदी जा रही है। सो जिन्ने ज़्यादा टैसट होणगे उन्नियां ज़्यादा पॉजिटिविटीज आउणगियां। मोरओवर सरकारां, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या नैशनल गवर्नमेंट हो गई, इहदे च इह हुंदा कि जदों भी कोई पॉजिटिव केस आउंदा उहदे कंटैक्ट्स नूं ट्रेस करना बहुत जरूरी हुंदा, उहदे कंटैक्ट्स नूं ट्रेस करके उहनां नूं आइसोलेट करना बहुत जरूरी हुंदा। सो इत्थे किते असीं फेल हो रहे हां कि जदों भी कोई भी एक आदमी पॉजिटिव आता साढ़े को कंटैक्ट्स का पता नहीं चल रहा और ट्रेस नहीं हो रहा, और जो कंटैक्ट्स पॉजिटिव होंगे आ सो वो करोना फैलाते हैं बाकी लोगों से जी। सर, तुसी आम आदमी पार्टी के नाल तुसी संबंधित हो, तो गल करिए पंजाब दे विच कैप्टन सरकार जो इस टाइम कर रही है, सो जिहड़े वो जिहड़े कदम चुक रही है कि वो ठीक ने, वो ठीक चल रहे ने? पिछले दिनों दे विच भी असीं ये कहिंदे आ रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट जिहड़ा लिटरली ये ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे जी, ये जिहड़ा डोमेन जिहड़ा ये मेडिकल प्रोफेशनल्स दा आ, सो आइसोलेट करदे आ, होम क्वारंटाइन करदे आ, सो ये सारा जिहड़ा ये डोमेन आ ये ब्यूरोक्रेसी दे हाथ देता। सो कभी भी तुसीं देखिया होना कभी भी पंजाब दी लेटेस्ट स्थिति दे बारे कभी भी किसी सिविल सर्जन का बयान नहीं आता, कभी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिज का बयान नहीं आता, कभी भी किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल का बयान नहीं आता। सो ये बड़ी मनभागी गल है, बिकॉज ये बड़ा टैक्निकल मुद्दा आ। सो मतलब गवर्नमेंट हैज़ फेल टू इनवॉल्व। असी पिछले दिनों साड़ी पार्टी ने किया सीगा कि देखो चंगे मेडिकल टैलेंट की घाट नहीं हैगी पंजाब दे विच, असी पी जी आई साढ़े बहुत नेड़े आ, पी जी आई के रिटायर्ड प्रोफेसर्स दे बहुत ने। बेसिकली ये जिहड़ा डिजीज़ है इनफेक्शस डिजीज़ के अंडर आ जाती है जी। तो बाहरलियां कंट्रीज़ दे विच तुसीं देखिया होना कि भाई जिन्ना भी करोना के पेशेंट्स नूं डील कर रहे हैं वो इनफेक्शस डिजीज़ के मार कर रहे हैं। एक तो साढ़े कोल पंजाब विच इनफेक्शस डिजीज़ के स्पैशलिस्टां की बहुत घाट है। नंबर दो, सरकारी एस्टैबलिशमेंट्स के मैडिकल स्पैशलिस्टां की बहुत घाट है, MD मैडिसिन की बहुत घाट है। तीजा, चेस्ट NTP स्पैशलिस्टां की बहुत घाट है, वह भी ये डिजीज़ नूं देखदी है। चौथा, इंटेंसिव केयर स्पैशलिस्ट जिहड़े एनेस्थेटिस्ट होंदे आ, स्पैशलाइज्ड एनेस्थेटिस्ट जिहड़े इंटेंसिव केयर देखते उन्हों की बहुत घाट है, जिहड़े वेंटिलेटर मैनेज करते हैं। सो किसी कारण करके, और एक पांचवा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो है जिहड़े लैब जिहड़ियां टेस्ट कर रही RT-PCR कर रही, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंप्लॉयड आ, सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत घाट आ। सो सिर्फ 3 टेस्टिंग सेंटर पंजाब दे विच हजे तक एस्टैबलिश्ड ने प्राइवेट लैब्स तो अलावा। चौथा सेंटर मेरा ख्याल अज तो 3 हफ्ते पहलों इनोग्रेट किया, अज की तरीक तक मैं उसदियां रिपोर्टां देखनियां शुरू नहीं कीतियां, जिहड़ा जलंधर वाला वैटनरी यूनिवर्सिटी के अंडर जिहड़ा सेंटर सीगा, क्योंकि जदों भी रिपोर्ट साढ़े कोल आउंदियां असीं देखदे हां उहनां दे विच प्राइवेट लैब्स या मैडिकल कॉलेज अमृतसर, मैडिकल कॉलेज फरीदकोट, मैडिकल कॉलेज पटियाला दियां ही रिपोर्टां सामने आउंदियां ने जी। डॉक्टर साहब, गल करिए कि पंजाब विच केस वध रहे ने, चलो टैसटिंग वध रही है तां केस वध रहे ने, पर गल करिए रिकवरी रेट दी तां भारत दा जिहड़ा एवरेज रिकवरी रेट है उस नालों भी घट है पंजाब दा रिकवरी रेट। अगर गल करिए मौत दर दी तां मौत दर पंजाब दा कल 3% लगभग जिहड़ा है वह हो चुका है, सो उसनों किस नज़र नाल देखदे हो? कल अखबारां दीआं सुर्खियां दे विच जिहड़ा पंजाब दा कोविड दा नोडल ऑफिसर आ उहदा बयान सीगा कि जिहड़ा साडा CFR साडा जिहड़ा फैटैलिटी रेट हैगा आ वो इस करके इन्ना ज़्यादा हो गया, वी हैव सरपास्ड
गुजरात एंड महाराष्ट्र जिहड़े बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ने कि लोकी रिपोर्ट नहीं कर रहे, लोकी ट्रीटमेंट लई बहुत लेट आ रहे हैं। तुहानू पता कि साडी पार्टी ने पिछले दिनां जिहड़ा दिल्ली दे विच भी चल रहा कि असी एक ऑक्सीमित्रा कैंपेन स्टार्ट किया। ऑक्सीमित्रा कैंपेन दे विच इह आ कि असी रफली 20,000 ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर पंजाब दे विच लैके आंदे आ, जिहड़े साडे हरेक शहर के हरेक वार्ड के ऑक्सीमित्रा सेंटर होएगा, जिहड़ा वार्ड दे विच इंचार्ज होएगा। सो जे अज की तरीक दे विच किसी भी आदमी को यह लगता कि मैं 5 दिन तो बुखार आया, हूँ मैं सह चढ़ना भी शुरू हो गया, अगर वह हॉस्पिटल जाने डरता है, अगर वह साढ़े कंसर्न परसन को कंटैक्ट करके अपना ऑक्सीजन लैवल जिहड़ा कि रफली सैचुरेशन लैवल जिहड़ा कि रफली 95% तो ज़्यादा होना चाहिए, सो अगर वह टैस्ट करवाउंदा, अगर वह 90% तो घट आउंदा आ तां इहदा मतलब अलार्म बैल रेज हो जाने चाहिए आ। उन्हू इमीडिएटली हैल्थ सेंटर दे विच जिहड़े भी प्राइवेट सेंटर डील कर रहे आ करोना नाल, उत्थे जाना चाहिए या सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए। सो जो उन्होंने बयान दिते आ, जो साडा स्टैप आ, साडा स्टैप एक सरकार नू हैल्प करन वाला स्टैप आ कि हो सकता पेशेंट डरदा मारा सिविल हॉस्पिटल दे विच अपना ऑक्सीजन लैवल टैस्ट करवाउण ना जाए। ऑल्दो इहदे घटण दे होर बहुत सारे कारण ने, बट प्रेजेंटली करोना दे दी जिहड़ी सब तो ज़्यादा तकड़ी कॉम्प्लीकेशन होंगी वो चैसट नमोनिया हों, जो भी नमोनिया हों पेशेंट की सैचुरेशन फॉल कर देती है और डिसनिया फील, जो एक स्पोर्ट्समैन है हो सकता वो डिसनिया उसको इग्नोर कर दे। सो मैनू ए लगता कि जरा जी मौत की दर आ ज़्यादा इसी करके आ कि एक तो लोग डरते टैसट नहीं करवाते। मैं एक ENT सर्जन भी हाँ, मैं रोज़ 50 पेशेंट देखता, मैं पेशेंट को लिख दिना कि भी तेन बुखार 5 दिन तो तुम RT-PCR करवा लो, जिहड़ा बेसिक टैसट आ इन्हों डायग्नोज करने, पर कि इस तो दूर दौड़ते हैं। जिहड़ा स्टिग्मा शुरू वाले दिनों दे विच जिहड़ा सरकार वालों फैलाता गया कि भी हरेक पेशेंट नू हॉस्पिटल दाखिल होना पवेगा, हालांकि फॉरन कंट्रीज़ दे विच होम आइसोलेशन नू बहुत अहमियत दी गई सी, दिल्ली दे विच भी होम आइसोलेशन नाल ही 80% लोग ठीक हो सके, हुण पंजाब सरकार ने भी कर दिता, बट पंजाब सरकार फेल हो गई है लोगों नू मोटीवेट करन दे विच कि भी इट्स अ वेरी सेफ टू गैट एडमिटेड या क्वारंटाइन होना बड़ा सेफ है, बट जिहड़ा इन्हां दे बयान दे हिसाब नाल यही है कि भी लोगों नू मोटीवेट नहीं कर सकी कि भाई तुसीं अपना टैस्ट करवाउण लई आओ जी। डॉक्टर साहब, पंजाब चर्चा प्रोग्राम विच तुहाडा गलबात जारी रहेगी, फिलहाल समा हो जाएगा छोटी जी ब्रेक का, तो ब्रेक तो बाद दोबारा तुहाडे नाल जुड़दे हां ते गल करदे हां पंजाब विच कोविड के हालातों के बारे। पंजाब मेल USA चैनल का एक शानदार उपराला। अमेरिका की इमीग्रेशन के नाल जुड़े जरूरी नुकत्या बारे तुहानू जाणू करवाउंदा, अमरीकी सियासत की ताज़ा गलबात सुणाउंदा, पंजाब मेल USA चैनल का वीकली प्रोग्राम अमेरिका आज तक। दुनिया नू जानो पंजाब मेल USA चैनल दे नाल। संसार भर दीआं खबरां जानण लई, खबरां दी डूंघाई तक पहुंचण लई रोज वेखो पंजाब मेल अखबारनामा। सिर्फ पंजाब मेल USA चैनल ते। पंजाब मेल USA चैनल का एक शानदार उपराला। पंजाब विच चल रहे मुद्दों की सार जानने लई, पंजाब दे माहौल की हवा बारे तुहानू बाखबर करन लई, पंजाब मेल USA चैनल का रोजाना प्रोग्राम पंजाब चर्चा सिर्फ पंजाब मेल USA चैनल ते। तू निक्की निक्की गल ते लड़दा है, मैनू परेशान तू करदा है, गलतियां आपे कर कुर के दोष मेरे ते तरदा है, कदों दी छड जांदी तैनू मैं दिल चो कट जांदी तैनू, हर वारी मैं ता दिल वत्तों मरदियां।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਚਲੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 4500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਟੈਸਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ 70,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਫਲੀ 2500-2400 ਤੋਂ 2500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 10-10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ ਜੀ ਸੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਈਜੀਨ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਦਿਨ 'ਚ 5-7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗਰ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਬਚਦੇ ਆ ਤਾਂ 90% ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਐਲਡਰਲੀ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਐਲਡਰਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਅਪ ਟੂ 40 ਦੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
पंजाब मेल यूएसए चैनल का वीकली प्रोग्राम अमेरिका आज तक। दुनिया नु जानो पंजाब मेल यूएसए चैनल दे नाल। संसार भर दियां खबरां जानन लई, खबरां दी डूंघाई तक पहुंचन लई रोज वेखो पंजाब मेल अखबारनामा। सिर्फ पंजाब मेल यूएसए चैनल। पंजाब मेल यूएसए चैनल दा एक शानदार उपराला। पंजाब विच चल रहे मुद्दियां दी सार जानन लई, पंजाब दे माहौल दी हवा बारे तुहानू बाखबर करन लई पंजाब मेल यूएसए चैनल दा रोजाना प्रोग्राम पंजाब चर्चा, सिर्फ पंजाब मेल यूएसए चैनल ते। सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच। ते साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर संजीव शर्मा जी। सर, एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम दे विच। थैंक यू जी। सर, काफ़ी एक र्यूमर्स फैले हुए हैं कि हाँ भी जिहड़े करोना दे जिहड़े पेशेंट्स ने उन्हां दे बॉडी पार्ट्स कढ़े जांदे ने, सो उन्हां बारे काफ़ी जिहड़े र्यूमर्स ने चाहे सोशल मीडिया ते चाहे व्हाट्सएप ते काफ़ी माध्यम राही फैल रहे ने, सो उन्हां बारे की कहना चाहोगे? देखो, नैगेटिव परसनैलिटीज़ ते मिसक्रिएंट्स, मतलब तुसीं जिन्ना लभणे लभ लो बहुत तुहानूं मिल जाऊगे। इनिशियल स्टेजेस दे विच तुहानूं याद होना कि जदों भी कोविड के नाल किसी की डैथ होंदी सी, ईवन उहदी फैमिली भी गुरेज करती सी उहदी बॉडी नूं आप लैणा। सो जिहड़ी भी डैथ होंदी आ कोविड पॉजिटिव की, वह बॉडी सील होंदी आ, सैनिटाइज होंदी आ, और अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन उहदी क्रिमेशन होंदी आ। इंसीडेंटली किडनी ट्रांसप्लांट ऑथोराइजेशन कमेटी जिहड़ी आ, जदों दा ये ट्रांसप्लांट एक्ट बनिया, जिहड़ी ये ऑथोराइजेशन कमेटी सी, मैनू मौका मिलिया, मैं भी 2 साल इहदा मैंबर रहा जिहदे च असीं परमिशन दिंदे हुंदे सीगे। सो बॉडी पार्ट्स तां तां यूज़ हो सकदा, किडनी तां तां यूज़ हो सकदी है ना जे किसी ना क्रॉस मैच हो रही है, ब्लड मैच हो रहा। सो ये बहुत लंबा प्रोसीजर आ। सो ये बिल्कुल अफवाहां ने, सानू अफवाहां तों बचना चाहिए। सो मैं अपील करदा इदां दे लोकां नूं कि जे ये सोशल मीडिया ते इदां दी कोई वीडियो या पोस्ट देखते आ, जिन्हें भी समझदार लोग है वह ग्रेज करके इदां दीआं नूं बिना वेरीफाई करने तो इसनों फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सो ये बिल्कुल भी पॉसीबल नहीं। मैं 100% ऑथेंटिसिटी ना कहना, बिकॉज मैं एक सर्जन हाँ, पिछले 30 साल तो प्रैक्टिस करता हाँ, एक सोशल वर्कर भी हाँ, ये पॉसीबल नहीं है, ये किसी काम की। सर, जिवें केंद्र सरकार वालों जिहड़ा अनलॉक 4 है उसकी जिहड़ी प्रक्रिया वो चल रही है पूरे देश भर में, तो स्कूलों भी थोड़ी परमिशन मिल गई है कि जिहड़े 9वीं ते 12वीं के जमात के विद्यार्थी ने वॉलंटरी स्कूल में जाके अपने टीचर्स नाल मिल सकते हैं। सो जिवें तुसीं हुणे कहा कि काफ़ी जिहड़े वड्डे शहर के लोग ने वो शायद थोड़ा चंगी तरह जिहड़ी अपनी केयर है वो नहीं कर रहे हैं, सो जो अनलॉक 4 में हर चीज़ खुलन जा रही है, सो की कहना चाहोगे लोगों को कि हाँ भी किवें अपना ध्यान रखन? देखो, मैं तुहानूं जिद्दां पहलों भी दस्सिया कि स्वीडन कंट्री ने लॉकडाउन बहुत सीरीयसली नहीं लिया। वो चाहते थे कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाए, कि मैक्सिमम लोगों एक बार कोविड हो जाए, ताकि वो लोग जोड़े 4 to 5 महीने हजे ICMR कहता कि एक बार अगर तुम्हें कोविड हो गया तो एटलीस्ट 4 to 5 महीने की इम्यूनिटी थोड़ी हैगी है, चांसिस आते हैं कि थोड़ी इम्यूनिटी हैगी। हालांकि ये हजे पूरे ये पक्के सबूत मेडिकल साइंस के नहीं आए कि तुम कि देर तक इम्यून रहोगे। सो कुछ सरकारां ने की किया कि लॉकडाउन युद्ध उत्ते नहीं लाया। सो मैं तो आप ही चाहना कि जिहड़े स्कूल कॉलेजेस खुलन, बट नाल ही ये अपील करदा कि जिहड़े बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे आ या कॉलेज गोइंग बच्चे आ, अगर उन्हां दा इंस्टीट्यूट खुल जांदा आ, एक तो वो जिहड़े पूरे नॉर्म्स का जिहड़ा ख्याल रखण, नक अपना ढक के रखण, हैंड हाइजीन प्रॉपर, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखण, और घर आ के जिहड़ा मैं बात वाला सिस्टम दस रहा कि भाई नहाउण जरूर, एंड दे शुड अवॉयड गोइंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स जी, क्योंकि वो भावें आप ही सिमटोमैटिक रहन। कल दी ही एक मैं रिसर्च पढ़ रहा सगा कि जिहड़ा वायरल लोड एसिमटोमैटिक पेशेंट आ तो जिहड़ा सिमटोमैटिक आ, उन्होंने दोनों के वायरल लोड का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिहदी इम्यूनिटी चंगी आ
उच्च सिम्पटम्स नहीं आते, जिदी इम्यूनिटी घट आ जिदा एल्डरली आ या जिहड़ा हाइपरटेंसिव है या जिहड़ा डायबिटिक है, सो उन्हूं बच के रहना चाहिए जी जी। अदरवाइज अनलॉक हो जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज तो डेफिनेटली हो जाने चाहिए है, क्योंकि लॉकडाउन कोई परमानेंट इहदा साधन नहीं है जी। सर देश विच हर कोई इंतजार कर रहा है कि हाँ भाई कदों पीक आएगी, सो उस तो बाद जिहड़े केसिस ने वह कटणगे तो उन्होंने थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। गल करिए दिल्ली की, तो दिल्ली विच भी काफ़ी पीक आने तो बाद केसिस काफ़ी घट गए, 1000 तक केस सामने आए, पर बीते कुछ दिनों विच दोबारा फिर जिहड़े केस ने वह वध रहे ने, 4000 तक जिहड़े केस ने सामने आए ने, सो उस बारे की कहना चाहोगे? देखो जदों भी कोई केस अनडिटेक्ट चलेगा, अगर एक कंटैक्ट है, एक कंटैक्ट ने घट्टो घट 10 to 15 लोगों को इफेक्ट करना, सो ऑलदो दिल्ली दे विच टेस्टिंग मैं पिछले वीक देख रहा सीगा कंपैरेटिव स्टडी कि दिल्ली दे विच 18 लाख लोगों का हुण तक टेस्ट हो चुका, ऑलदो दिल्ली की पॉपुलेशन साड़ी पंजाब नालों बहुत घट आ, और पंजाब का कंपैरेटिवली उदों 11 लाख ते सीगा। सो जिन्नी ज़्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिविटी भी उन्नी ही बढ़ेगी, बट दिल्ली का जिहड़ा फैटैलिटी रेट है वह पंजाब नालों घट आ, इट्स रफली एट पार विद द नैशनल एवरेज। सो जिन्नी ज्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिविटी भी उन्नी आएगी। सो प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच काफ़ी वधिया जानकारी दे रहे हैं साडे नाल डॉक्टर संजीव शर्मा जी। सो एक बार फिर समा हो चुका है एक छोटी जी ब्रेक का, ब्रेक तो बाद दोबारा मिलते हैं तो गलबात करते हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी के नाल। पंजाब मेल USA चैनल का एक शानदार उपराला। अमेरिका दी इमीग्रेशन दे नाल जुड़े जरूरी नुक्तियां बारे तुहानू जाणू करांदा, अमरीकी सियासत दी ताज़ा गलबात सुणांदा, पंजाब मेल USA चैनल दा वीकली प्रोग्राम अमेरिका अज तक। दुनिया नू जाणो पंजाब मेल USA चैनल दे नाल। संसार भर दियां खबरां जानण लई, खबरां दी डूंघाई तक पहुंचण लई रोज वेखो पंजाब मेल अखबारनामा। सिर्फ पंजाब मेल USA चैनल। पंजाब मेल USA चैनल दा एक शानदार उपराला। पंजाब विच चल रहे मुद्दियां दी सार जानन लई, पंजाब दे माहौल दी हवा बारे तुहानू बाखबर करन लई, पंजाब मेल USA चैनल दा रोजाना प्रोग्राम पंजाब चर्चा सिर्फ पंजाब मेल USA चैनल ते। तू निक्की निक्की गल ते लड़दा है, मैनू परेशान तू करदा है, गलतियां आपे कर कुर के दोष मेरे ते तरदा है, कदों दी छट जांदी तैनू पे दिल चो कट जांदी तैनू, हर बारी मैं ता दिल वत्तों मर दिया। सत श्रीकाल, एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा के विच, ते साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर संजीव शर्मा जी। सर एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा के विच। सर असी अक्सर सुनते हैं कि जिहड़ा लैवल 1 है, लैवल 2 है, करोना का चल रहा है, सो सब तो पहला तो साडे सारे दर्शकों को दसो कि लैवल 1, लैवल 2 या लैवल 3 इसनों किवें डिफाइन किया जाता है? देखो लैवल 1 दे विच ओह पेशेंट्स हुंदे ने कि जिहड़े एसिम्प्टोमैटिक हुंदे ने, जिहड़े पॉजिटिव तो आ जाते पर जिन्हों कोई लक्षण नहीं होंदा, या जिन्हों माइल्ड सिम्पटम्स आते हैं। माइल्ड सिम्पटम्स कितना होंगे, गला खराब हो गया या बॉडी एक्स हो गई, और जिहड़े लैवल 2 वाले पेशेंट्स होंगे ने उन्हां च 10 दिन तो बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा, गला खराब आ, और सह चढ़ना शुरू हो गया। सह चढ़ना शुरू हो गया मीनस तुहाडी चेस्ट इनवॉल्व हो गई है। तो लैवल 3 पेशेंट्स वो होंगे ने जिन्हों वेंटीलेशन की लोड़ पै सकती, वेंटीलेटर की लोड़ पै सकती है। लैवल 2 दे विच सिंपल केवल ऑक्सीजन की लोड़ पै सकती है कि पेशेंट का सैचुरेशन 90% तो घट गई है, वह सिंपल उन्होंने ऑक्सीजन दें, रिस्की जोड़े वे 10 दिन निकल जाते तो पेशेंट उस तो बाद ठीक हो जाता। सो लैवल 1 तो लैवल 2 बैड्स की
कोई कमी नहीं पंजाब दे इस वे क्वारंटाइन सेंटर जिन्हें भी है हरेक डिस्ट्रिक्ट दे विच या हरेक प्राइवेट सैटअप दे विच लैवल वन या लैवल टू ने और लैवल थ्री की अक्यूट शॉर्टेज आ अक्सर जिदा हुण मैं आम आदमी पार्टी जां असी वी आर इन टू सोशल सर्विस कोई ना कोई फोन आउंदा रहिंदा कि भई साढ़े जिहड़े वायरल मार्कर्स आ रेज हो रहे आ कि सानू एडमिशन की लोड़ है और प्राइवेट बैड्स जिहड़े लैवल थ्री के अज की तरीक अवेलेबल नहीं ने वेंटीलेटर जिन्हें भी लीडिंग हॉस्पिटल्स ने पंजाब के वो टोटली ऑलमोस्ट फुल ने सो लैवल थ्री लई सरकार नू ज़्यादा प्रिपेयर होने की लोड़ है और नंबर दो अक्यूट शॉर्टेज है हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर च हैल्थ मैन पावर की जिन्हों आप करोना वॉरियर्स कहने ने सरकार ने कुछ टैंपरेरी इंपलॉई पिछले दिनों दे विच भर्ती किए सके बट कितनी शर्म वाली गल है कि चार चार महीने हो गए उन्होंने अज तक तनखा नहीं मिली क्योंकि सरकार को यही नहीं पता कि उन्होंने देने लई तनखा लई फंड्स कितों जनरेट करने हैं सो सेवा करोना वॉरियर्स उ कर सकते ने जड़े वैल पेड होन एटलीस्ट वो बहुत हाई रिस्क ते ने टू कंट्रैक्ट कोविड क्योंकि जलंधर दे विच बड़े कुछ लीडिंग डॉक्टर्स इसलिए करोना तो ग्रस्त ने और कुछ दिल्ली के हॉस्पिटल दाखिल हो गए आए ने तो जिन्ना रिस्क एक डॉक्टर नू उन्ना ही एक हैल्थ फोर्स नू उन्ना ही पुलिस फोर्स नू तो सरकार नू थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए हैल्थ फोर्स नू ते करोना वॉरियर्स नू जिन्हां दे विच जिहड़े मैं पुलिस फोर्स दस रहा या हैल्थ वर्करस दस रहा आशा वर्करस आर वेरी अंडरपेड 1000 रुपीज एटलीस्ट पर मंथ मिलता जिहड़ा कि 30 रुपये दिहाड़ी दिन दे बण दे विच स्टूडलैस तो सरकार नू इन्हां लई फंड्स जनरेट करन दी लोड़ हैगी आ अक्सर सर जो मरीज है वह सरकारी होस्पिटल की बजाय प्राइवेट होस्पिटल से जाना चाहता है पर हर किसी के बस की गल नहीं है क्योंकि उत्थे जो इलाज है वह काफ़ी महंगा चल रहा सो प्राइवेट हस्पतालों के जो इलाज महंगा चल रहा करोना का उसका की कारण है देखो ये आ कि जोड़ा आदमी प्राइवेट होस्पिटल प्राइवेट रूम लैके रहना चाहता रफली तुम 6 to 7 हज़ार रुपया तो तुम ला ही लो ना कि भी रूम रेंट ही होगा सो दूसरा क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स प्राइवेट सैटअप के घट होंगे ने तो जिहड़ा आदमी पे कर सकता वो चाहता कि मैं थोड़ा जा आइसोलेट हो के जनरल पब्लिक तो रहा सो जो कोविड स्टार्ट होया सगा सो जिन्हें भी VVIPs नूं पंजाब विच कोविड होया सगा उन्हां चों सिविल हॉस्पिटल दे विच कोई भी एडमिट नहीं होया सगा सो आम लोग तो लैसन लीडर्स तो लेंदे ने ना ब्यूरोक्रेसी तो लेंदे ने ना जे एक ब्यूरोक्रेट आप सिविल हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुंदा जे आप एक मंत्री सिविल हॉस्पिटल नहीं दाखिल हुंदा जे आप कोई डायरेक्टर स्टेट का सिविल हॉस्पिटल दाखिल नहीं हुंदा तो वह लोगों को किदां प्रीच करूगा कि साढ़े सिविल हॉस्पिटल सक्षम है इनू डील करन लई जी डॉक्टर साहब तुसी साढ़े नाल प्रोग्राम पंजाब चर्चा च जुड़े तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जांदे जांदे साढ़े सारे दर्शकों नूं तुसी की कहना चाहोगे देखो मैं तो वही कहना कि तुसी सेफ रहो अपने हाइजीन का ख्याल रखो सैनिटाइज करो क्राउड्स तो दूर रहो मास्क जिहड़ा हमेशा अगर कल्ले नहीं हो कार दे विच अगर दो जने भी है तो मास्क पा के रखो सो जिहड़े काम अवॉयड हो सकते हैं उन्होंने अवॉयड करो और अपने पेरेंट्स का अपने ग्रैंड पेरेंट्स का अपने बच्चों का ख्याल रखो सलो जी इस सन साडे नाल खास जुड़े डॉक्टर संजीव शर्मा जी जिन्हां ने दस्सिया कि पंजाब दे विच करोना का की हाल चल रहा है सो होर भी पंजाब दे मुद्दियां बारे देखते रहो प्रोग्राम पंजाब चर्चा ओनली ऑन पंजाब मेल USA TV दे नाल।